नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सीसे वाली मस्जिद से निकाला गया जुलूस। जी हां, प्रयागराज में आज मुस्लिम भाइयों द्वारा बरवा फात पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस हटिया सीसे वाली मस्जिद छोड़कर सुला की चला चौराहा बहादुरगंज मानसरोवर रोड से घुमाते हुए हटिया सीसे वाली मस्जिद पर जाकर समापन हुआ। जुलूस में लोग हाथों में हरे रंग का झंडा लेकर चलते रहे, जहां सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन भी लगे हुए दिखे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। आज के दिन हमारे हजूर साहब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उसी खुशी में हम लोग ये जज्बा मुक्ति के लिए मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खुशी मनाते हैं। परिचय आपका? जी परिचय, नाम? नाम मोहम्मद नदीम, हजरत मुफ्ती गंज। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर निकला जुलूस। जी हां, अम्बा थाना क्षेत्र के गांव अम्बा उदयगंज दसौती कतरी जीवा बिगहा बजराही एवं अन्य गांवों से सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ मौके पर हर्षोल्लास के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ एक जुलूस निकाला गया। लोगों ने बताया कि मोहम्मद साहब पैगंबर में थे, आखिरी पैगंबर और एक सच्चे पैगंबर थे, और लोगों में एकता का पैगाम लेकर दुनिया में आए और आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज तक पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज के दिन उनके यादों को ताजा किया। इसमें शामिल मौलाना कलीम अंसारी, मौलाना मुस्लिम अंसारी, मौलाना मजहर आलम, सत्तार शाह, मोहम्मद जुफेरकार अली, मोहम्मद सद्दाम आदि हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। बिहार से हमारे संवाददाता अरशद अली की रिपोर्ट। आज किनके याद में जुलूस निकाला गया? आज पैगंबर इस्लाम हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में हम ये जुलूस निकाले हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में पैदाइश जो हुई है 25 अप्रैल 571 को हुई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में तरह तरह के जुल्मों पर बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, औरतों पे जुल्म किया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जा रहा था, कोई किसी का पुरसा हाल नहीं था, शराब नोशी आम थी, जुआ और शराब नोशी आम तौर पे लोग खेला करते थे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, लोगों को इख़्वत व मोहब्बत का दर्स दिया, भाईचारगे का दर्स दिया, इस्लाम का कानून बताया, बच्चियों को जीने का हक दिया, औरतों को मकाम दिया, औरतों के बारे में बताया, ऐ लोगों औरतों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? जब औरत बूढ़ी हो जाती है, माँ बन जाती है, उसके पाँव के नीचे जन्नत है, और जब वो बच्ची जवान हो जाती है, जिस घर में जाती है तो जन्नत का नमूना बन जाती है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदान गेती पर तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो हर चहार जानिब उनकी याद में धूम मनाई जा रही है, जमीन से लेकर के आसमान तक आज उन्हीं की याद में हम जुलूस निकाल रहे हैं, और पूरी दुनिया में आज जश्न मनाया जा रहा है, उनकी आमद में हर जगह खुशियां मनाई जा रही है, और इसी सिलसिले में आज हम जुलूस निकाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन। कौन सी जगह है? मोहम्मद कलीमुद्दीन। ये जगह कौन सी है? ये अम्बा उदयगंज मेरा मकान हुआ, ये अम्बा हम लोग का खाना है, पोस्ट है, खाना है। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। लोगों ने खुशी खुशी स्वीकारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जी हां, आजमगढ़ के गोमाडीह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों ने स्वागत किया और कहा कि मुसलमान और हिंदू भाई आपस में भाईचारा बनाए रखे। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता इस समय पहुंचे हैं आजमगढ़ के गोमाडीह रोहुआ पार में। कुछ लोग आइए बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या कुछ कहेंगे? ठीक है सर। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा फैसला। अच्छा, और ये 3 महीने में जो है मंदिर का जो आदेश है बनने का, इस पर क्या कहेंगे?
आप बताइए चाचा, आपका नाम? अच्छा, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, फैसला सबके हित का हुआ है। अच्छा, आपका नाम? पुरुषोत्तम राम। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर क्या कहेंगे? ये अति सुंदर है महाराज, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये हिंदुओं का गर्व है, समझ लीजिए। बन जा रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, जो मुसलमानों को दिए हैं 5 एकड़ जमीन के लिए बताए, इस पर क्या कहेंगे? तो सरकार को हम लोग क्या है? ये भी अच्छा ही काम है। इनको भी मिल जाए तो अच्छा ही है। जी जी। और भाई कुछ? ये साहब, हाँ, आपका नाम? रवि आजमी। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो, इस पर क्या कुछ कहना है? बेहतरीन जी, फैसला तो जो कोर्ट है, कोर्ट तो निष्पक्ष है, इसके लिए कोई धर्म मांगने नहीं रहता, करने का रास्ता नहीं है, तो लाता है कानून जी। बहुत बढ़िया इन्होंने फैसला दिया है जी। भाई, हक दोनों का था और दोनों को दिया गया, और बहुत अच्छा फैसला रहा जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश क्या हम देना चाहेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि धर्म निरपेक्ष देश है हमारा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक जैसे दुख सुख में सबके सभी काम आते हैं, और यही सारे इज्म का एक जो पैगाम है, यही हकीकत का है कि इंटरनल पावर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको जानते हुए, इसे मानते हुए, और एक दूसरे के दुख सुख में और अपना भाग लें, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो औरों के काम आ सकता है जी। इसलिए वो इंसान इंसान नहीं, जो दूसरे के काम ना आए जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जश्न ईद मिलाद दुनबी धूमधाम से मनाया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद शहर टाउन हॉल जखनिया मोहम्मदाबाद जमानिया कस्बा में जुलूस के हजारों की संख्या में चल रहे लोगों ने नारे तकबीर अल्लाहो अकबर के साथ चल रहे थे। जमानिया कस्बा के पठान टोली गन हाउस के पास नगर के अध्यक्ष एहसान जफर ने लोगों का इस्तकबाल किया। साथ में साज जलाली, धनंजय मौर्य, रशीद जलाली, मुकेश तनवीर, खालिद खान, कमाल मास्टर आदि लोग जुलूस के साथ चलकर अमन का पैगाम दे रहे थे। कोतवाल विमल मिश्रा वीडियो हरि नारायण, तहसीलदार आलोक कुमार और प्रशासन भी भारी व्यवस्था रही। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। ईद मिलादुन नबी का जश्न गाजीपुर जनपद के जमानिया में काफी धूमधाम से मनाया गया, गन हाउस के पास आप हैं। इस जश्न के बारे में क्या बताएंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप भी बताइए, गन हाउस पर कई साल से यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ इस्तकबाल किया जाता है, और ये जुलूस एक जुलूस की शक्ल में हम लोग निकलते हैं और अपने मुल्क के अमन के लिए दुआ करते हैं, ताकि सब लोग आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। भाईचारा हमेशा कायम हमेशा कायम। जुलूस ए मोहम्मदी का
त्योहार ही बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, उन्नाव विधानसभा भागवत नगर के अंतर्गत नगर पंचायत भागवत नगर में जुलूस ए मोहम्मदी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाई दिया। सभी लोग एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे के प्रति भाईचारे का संकल्प लिया और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी रविन्द्र भारती पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, जिसमें चौकी इंचार्ज राजू ने पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को संभाला। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष व सभी सभासदगण मौजूद रहे। उन्नाव से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। सभा भगवंत नगर के अंतर्गत आज जुलूस ए मोहम्मदी निकल रहा है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के भाईचारे के तरीके रहते हैं और सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ पर सभी भाई हैं और इनसे मैं बात करूँगा और यहाँ के काफिले को दिखाना चाहूँगा कि कितना हर्षोल्लास के साथ ये काफिला मनाया जाता है। कैमरामैन जी से मैं कहूँगा कि यहाँ का जो काफिला है उसकी तरफ रुख करें और जनता को दिखाएँ इस काफिले की चढ़ बढ़कर जो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। आइए चलते हैं। तुम्हारा पर सभी लोग हैं जो सब लोग हैं जुलूस ए मोहम्मदी। मैं इन लोगों से बात करना चाहूँ, इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? इस मोहम्मदी जुलूस ए मोहम्मदी के बारे में आप बताइए। मोहम्मदी एक भाईचारा का पैगाम है और हम लोग इसको हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर मनाते हैं। और ये भगवंत नगर से बनकापुर बिहार, बिहार से पाटन, पाटन से होते हुए फिर भगवंत नगर। लगभग कितने लोगों का काफिला होगा यहाँ? ये यहाँ अभी तो 700-800 आदमी होंगे, मगर धीरे धीरे चलते चलते 5-6 हज़ार आदमी हो जाएंगे। ये इसी तरह हर बार सभी लोग मिलकर हर साल मनाते हैं इस तरह मिलते। अब बताइए। ये हमारा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इसलिए उनकी आमद की खुशी में जो है हम लोग जो है जश्न मनाते हैं। और यह हमारे यहाँ जो है भगवान में हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर बनाते हैं, आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं। आइए मैं कैमरा मैन से कहूँगा, यहाँ पर काफिला निकल रहा है और उस काफिले की ओर रुख करते हैं और जनता को दिखाते हैं कि काफिला वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाई दे रहा है। आइए। वातावरण में प्रशासन की अनुपस्थिति में दिक्कत मनाया जा रहा है और यहाँ पर नगर पंचायत जिले सदस्य जी और बाबू जी हैं और अधिशासी अधिकारी और सभी सम्मानित गण यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमें दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पर सभी सज्जन पुरुषों से मोहन भाव से मैं बात करना चाहूँगा इस विषय में। आज मोहम्मद जुलूस है, इस विषय में आप बताइए। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पे हम सभी क्षेत्रवासी आपस में मिलजुल के बहुत ही सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और यहाँ पर सभी लोग हैं, मैं इनसे भी मौलाना जी इनसे भी बात करना चाहूँगा इस विषय में। जुलूस-ए-मोहम्मदी की पैदाइश का दिन है, जिसमें हम सब मिल कर के जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला है और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम बड़े अच्छे अंदाज में खुशगवार माहौल में हम हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब मिल कर के जो है जुलूस-ए-मोहम्मदी शिरकत फरमा कर और बड़े अच्छे अंदाज में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया है। आप बताइए इस विषय में। सरकार की आमद आमद पर सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है, वो मना रहे हैं। और हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, जिला पंचायत साहब, बाबू जी और सभी मतदाता मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मोहब्बत और खलूस का एक नज़ारा देखने को मिलता है। ये मेरा भगवंत नगर है।
और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा यहाँ पर नगर पंचायत अंसासी जी हैं और यहाँ पर सहयोग के रूप में मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। ये जो त्यौहार है बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है, दोनों कौमों के लोग साथ मिलजुल कर मना रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से इनके साथ है और इसी के साथ मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। जैसा कि यहाँ को देखने को मिला है कि मुख्यालय गणों से और सभी सम्मानित गणों से मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इस त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसके विषय में जानकारी दी है और इसी तरह हर साल सभी लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं अमित कुमार, कैमरामैन ओम प्रकाश साहू। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।